wedding bells for Salman Khan and Lulia. For long now, there have been speculations about Salman Khan's impending marriage, although the actor doesn't confirm it yet. But we all know that Lulia is definitely more than a friend. In fact, check out these latest pictures and you will know how Lulia has officially also become a part of Salman's family. Well, yes, the paparazzi were in for a major surprise when Salman was seen arriving at the airport along with his mom Salma, sister Alvira and Lulia in company last night. In fact, if you closely see all the pictures, you would notice how Salman's mom has firmly held on to Lulia's hand, proving her fondness for Salman's lady love. Well, isn't it enough to make things official? करण सिंह ग्रोवर ने इंस्टाग्राम पर पत्नी बिपाशा बसु की स्विम सूट में एक बोल्ड तस्वीर शेयर की है। दोनों मालदीव में हनीमून मनाने पहुंचे हैं। बिपाशा तस्वीर में काफी हॉट दिख रही हैं। करण सिंह ग्रोवर ने तस्वीर के कैप्शन में लिख सवाल पूछा है, माई वाइफ इज अ गॉडेस, क्या लक ने मेरा साथ दिया? आपको बता दें कि करण के फॉलोअर्स ने चुपता हुआ जवाब दिया है। हालांकि तस्वीर शेयर करने के कुछ देर बाद ही करण सिंह ग्रोवर के एक फॉलोअर ने चुपता हुआ कमेंट कर दिया। एक फॉलोअर ने लिखा, जेनिफर बिपाशा के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत थी। वहीं करण के एक और फैन ने लिखा है, आप लकी थे क्योंकि जेनिफर बेस्ट थी। ऐसे कई कमेंट्स जेनिफर, बिपाशा और करण को लेकर किए गए। बिपाशा को करण के फॉलोअर्स के ये कमेंट्स नागवार गुजर सकते हैं। आपको बता दें कि जेनिफर करण सिंह की दूसरी पत्नी थी, जिनसे तलाक लेने के बाद ही करण ने बिपाशा से शादी की है। कैटरीना कैफ इज किलिंग इट विद हर लुक्स एंड हाउ। हियर इज अ जॉ ड्रॉपिंग पिक्चर ऑफ मिस कैफ सेटिंग फायर टू द सी क्वाइट लिटरली। स्पोर्टिंग अ ब्लैक नेटेड स्विमवेयर कम बिकिनी, दिस पिक्चर ऑफ कैटरीना एट द बीच इज डूइंग द राउंड्स ऑन द इंटरनेट एंड वी वुडन्ट डिनाय बट इट्स टर्निंग आउट टू बी द सेक्सीएस्ट पिक्चर वी हैव सीन दिस मॉर्निंग। While some are speculating if this is one of the scenes from her upcoming film Baar Baar Dekho opposite Siddharth Malhotra, talks assert it's nothing but a sizzling glimpse from her upcoming magazine photoshoot that's currently underway. Well, then in that case, we cannot wait to get a copy of this one. In fact, it reminds us of her last year's GQ photoshoot. बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर के सीक्वल की तैयारियां इन दिनों तेजी से चल रही हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर के पहले दो भागों का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया था और जीशान कादरी ने फिल्म की पटकथा लिखी थी। इस फिल्म में जीशान अभिनय नहीं करेंगे। बता दें कि फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर 2 में जीशान ने डेफिनेट नाम का किरदार निभाया था, लेकिन उनका कहना है कि इस फिल्म में वो अभिनय नहीं करेंगे और उनका पूरा ध्यान राइटिंग और डायरेक्शन पर रहेगा। गैंग्स ऑफ वसेपुर बॉलीवुड में ऐसी फिल्म रही है जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल करने के साथ साथ फिल्मी दुनिया को कई बेहतरीन अभिनेताओं से रूबरू भी कराया है। इस फिल्म का नाम गैंग्स ऑफ वसेपुर 1.5 सोचा है। इस फिल्म में भी कमोबेश वही सितारे होंगे जो पहले की फिल्मों में थे और इसमें कुछ नए सितारे भी जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर और हम्टी शर्मा के दुल्हनिया जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके वरुण धवन और आलिया भट्ट एक बार फिर बिग स्क्रीन पर साथ नजर आने वाले हैं। डायरेक्टर शशांक खेतान की अपकमिंग फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में दोनों फिर से रोमांस करते दिखेंगे। फिल्म का फर्स्ट मोशन पोस्टर करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। ये फिल्म मई महीने में फ्लोर पर जाएगी और इस फिल्म को सिर्फ एक शेड्यूल में पूरा किया जाएगा। ये फिल्म एक लव स्टोरी है जो यूपी शहर में बेस्ड होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।